हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भी हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। अनुराग, सीएम शिवराज ने रक्षा मंत्री से बातचीत की है मामले की गंभीरता को समझते हुए, क्योंकि आग पर काबू पाया ही नहीं जा सका है अभी तक। जो हमारी दमकल की गाड़ियां हैं वो आग पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई हैं। अब रक्षा मंत्री से बातचीत की है सीएम शिवराज ने, हेलीकॉप्टर के जरिए पानी गिराया जाएगा ऊपर से। अनुराग, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आग बेकाबू हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ केंद्रीय रक्षा मंत्री से चर्चा की है बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी चर्चा की है, और इसके केंद्रीय गृह विभाग से भी राज्य सरकार ने मदद मांगी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि रक्षा मंत्री ने अब मध्य प्रदेश के लिए तत्काल हेलीकॉप्टर रवाना करने के निर्देश दे दिए, AN-32 और MI-15 हेलीकॉप्टर के जरिए इस आग के ऊपर से पानी छिड़काव किया जाएगा, केमिकल का छिड़काव किया जाएगा और उसके जरिए अब आग पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से बात की थी और उसके बाद अब ये खबर निकल कर आ रही है कि जल्द से जल्द जो हेलीकॉप्टर है वो मौके के लिए रवाना होंगे। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि कई और अहम जानकारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है, वहां पर वो लगातार बात कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी बातचीत हुई है और केंद्रीय गृह विभाग से भी मुख्यमंत्री ने मदद मांगी है। तो कुल मिलाकर जो राज्य सरकार की तरफ से कोशिश है वो लगातार की जा रही है और मुख्यमंत्री निवास पर अभी बैठक चल रही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे हैं और सीएम शिवराज के साथ वो बैठक कर रहे हैं। तो पूरे हालात को लेकर मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं, न सिर्फ राज्य सरकार के स्तर पर बल्कि केंद्र सरकार की मदद से भी कैसे आग पर काबू पाया जा सकता है इसको लेकर अब प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है अनुराग, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो सरकार काफी गंभीर है और सीएम शिवराज लगातार नजरें बनाए हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह से भी बातचीत हो चुकी है उनकी, रक्षा मंत्री से भी बातचीत हो चुकी है, हेलीकॉप्टर के जरिए ऊपर से पानी गिराया जाएगा। एक बार फिर से घटनास्थल का रुख कर लेते हैं, सहयोगी जितेंद्र शर्मा वहां पर मौजूद हैं। जितेंद्र, आग को लगे काफी समय बीत चुका है, आप भी घटनास्थल पर काफी समय से मौजूद हैं, लगातार आप भी नजरें बनाए हुए हैं कि वहां पर क्या क्या हो रहा है। जानना चाहूंगा आपसे जितेंद्र कि परेशानी कहां आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं जिससे 6 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन आग अभी भी लगी हुई। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें आग के कारणों पर काबू ना पाने की, जो मुख्य 3 वजह है वो ये है कि एक तो हाई राइज बिल्डिंग है और वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं है। एक जो वाटर कैनन आई थी वो थी एयरपोर्ट की, जिससे हाइड्रोलिक वाटर प्रेशर डाला गया जिससे आग पर काबू पाया गया। अगर बात करें तो अब देखिए मंत्री विश्व सारंग भी यहां पर मौके पर पहुंचे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मंत्री विश्व सारंग भी पहुंचे, जायजा लेने। सर, जायजा लेने पहुंचे हैं आप? हाँ जी, सब प्रयास चल रहे हैं और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा मॉनिटर कर रहे हैं और सभी नियंत्रण में आए, हर तरह के प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं, मैं खुद आया माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही और पूरा प्रशासन लगा हुआ है, हमें उम्मीद है जल्द से जल्द हम कंट्रोल कर लेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं मंत्री विश्व सारंग मौके पर पहुंचे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सेना का हेलीकॉप्टर कब पहुंचेगा? मंत्री जी से अगर आप बात करें इस बारे में तो प्लीज। जी, एक बार और हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कुछ सेना का हेलीकॉप्टर आने की कुछ अपडेट है क्या सर आपके पास? हालांकि अभी वो बिजी हैं, बात कर रहे हैं, अधिकारियों से जायजा ले रहे हैं, मगर बात करें तो यहाँ पर आप करें कमिश्नर भोपाल भी मौके पर मौजूद हैं और लगातार हर चीज पर मॉनिटरिंग की जा रही है। वहां पर पहुंचे हैं, आग का जो अभी है उसका जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस आयुक्त तो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, साथ ही मंत्री विश्वास सारंगी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 पर नजर आ रही होंगी। आग के कारणों का जायजा ले रहे हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने अपडेट दिया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के बाद वो यहाँ पहुंचे हैं घटनास्थल पर, जहाँ पर सतपुड़ा में आग लगी है और हर चीज का जायजा ले रहे हैं और उसके बाद अभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि सेना के जो हेलीकॉप्टर है उन्हें कब बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। तो आप देख सकते हैं पुलिस आयुक्त भी साथ में है, मंत्री विश्व सारंग मौके पर पहुंचे हैं, हर चीज का जायजा ले रहे हैं, पूरी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाए जा रहे हैं, हर एक तरफ से घूम कर जायजा लेकर ये अपडेट लिया जा रहा है क्योंकि आग लगी है उस पर कैसे करके और काबू पाया जाए, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि सेना भी पहुंची थी,
इसके अलावा अगर बात करें तो अलग अलग जो विभाग हैं वो भी उनकी टीम पहुंची थी, मगर आग जो भी है अभी तक भड़की हुई है उसे कंट्रोल करने के लिए किस तरह से और फोकस किया जाए ताकि ये जो है आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए। मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे हैं, आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर देख सकते हैं। साथ ही पुलिस कमिश्नर हरिणचारी भी मौके पर है, उनके साथ जायजा लिया जा रहा है। आग का वो हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, पांचवें छठवें फ्लोर पर आग भड़की हुई है लगातार। इस पर काबू पाने के लिए किस तरह से और प्रयास किए जाएं, क्योंकि फायर टेंडर लगातार काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहां पर वो गृहमंत्री के साथ चर्चा कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने जो है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को भेजा है, वो यहां पहुंचे हैं, हर चीज का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद इसकी एक बारीकी से जो अधिकारियों से अपडेट लेकर वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बताएंगे कि आखिरकार अब तक कितना काम हो चुका है और क्या चीजें हो रही हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 पर नजर आ रही होंगी कि चारों तरफ से। जितेंद्र आप नजरें बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमें दीजिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।